अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टोयोटा करोला GLI 2009 की मॉडल है और 1300 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है और ये गाड़ी आपको पंजाब नंबर में मिलेगी, पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी है। इसके जो अहम फीचर्स है उसके बारे में आपको बताता चलूँ तो उससे रंग आपको विदाउट मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा, डबल एनालॉग मीटर और ये गाड़ी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। फैब्रिक की सीट्स वाइट कलर के अंदर ब्लैक और वाइट कलर कम्बिनेशन के साथ आपको डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे एंड्राइड स्क्रीन सब कुछ अवेलेबल होगा। गाड़ी इंटीरियर से बहुत बेस्ट है। तो बढ़ते इस गाड़ी की डिटेल रिव्यू की तरफ, आपको वीडियो की लास्ट में इंजन सस्पेंशन भी दिखा दिया जाएगा और ये गाड़ी आपको 22 लाख बजट के अंदर मिलेगी। बढ़ते इस गाड़ी की डिटेल रिव्यू की तरफ। टोयोटा करोला GLI 2009 की मॉडल पंजाब रजिस्टर गाड़ी है और 1300 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है। वाइट कलर के अंदर ये गाड़ी आपको मिलेगी और मज़ीद अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल के हवाले से आपको बताता चलूँ, लो बीम और हाई बीम आपको अलग अलग लैंप्स में मिलेंगे, साथ में इंडिकेटर का ऑप्शन, ग्रिल आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेगा और साथ में टोयोटा की ब्रांडिंग की गई है। पंजाब रजिस्टर गाड़ी है, नॉन कस्टम पेट नहीं है। बढ़ते इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, साइड प्रोफाइल में आपको साइड मिरर जो है विद इंडिकेटर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर VVTi का बैच और मज़ीद आपको इस गाड़ी की टायर्स कंडीशन दिखाता चलूँ तो बहुत प्यारे रिम्स और टायर्स की कंडीशन भी आपको बेस्ट कंडीशन के अंदर मिलेंगी। डोर लेचिज आपको ब्लैक कलर के अंदर और साथ में की ऑप्शन आपको मिलेगा, सेंसर कोई ऑप्शन नहीं होगा। रेयर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोयोटा का बैज और रेयर कैमरा अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोयोटा की ब्रांडिंग, करोला GLI का बैज और गाड़ी जो है एक्सटीरियर से बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मिलेगी। कोई डेंट और कलर अवेलेबल नहीं होगा। हाई माउंटेड लैंप्स भी अवेलेबल है इसके रेयर साइड पे। 22 लाख बजट के अंदर पंजाब रजिस्टर गाड़ी, पाकिस्तान में जिधर मर्जी आप चला सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर की तरफ और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता चलूँ। इंटीरियर भी आपको बेस्ट कंडीशन के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले आपको डोर सेल्स दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का डोर सेल्स, पावर विंडोज़, ऑडियो सिस्टम और यहाँ पे आपको बता देते हैं तो मैनुअल सीट्स मिलेंगे, यहाँ से आप अपनी सीट्स को एडजस्ट करेंगे। की स्टार्ट ऑप्शन, मिरर एडजस्टमेंट बटन्स और मज़ीद जो है फैब्रिक की सीट्स, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलेंगे। पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो आपको विदाउट मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा, डबल एनालॉग मीटर्स, ब्लैक डैशबोर्ड और साथ में वाइट कलर भी यूज़ किया गया, एंड्राइड स्क्रीन और ये गाड़ी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। दो अदद कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। मज़ीद आपको दिखाता चलूँ तो हैंड सपोर्टर में काफ़ी स्पेस मिलेगा और डैशबोर्ड में आपको दो अदद स्पेस मिल रहा है, काफ़ी स्टोरेज आपको मिलेगा। टोयोटा करोला GLI 2009 की मॉडल और 1300 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है। 1300 सीसी तो मतलब इस गाड़ी का कोई ख़र्चा नहीं होगा, आपको अच्छी खासी फ्यूल एवरेज देगी। मैनुअल एसी और हीटर सिस्टम मिलेगा, लेकिन ये है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और यहाँ पे कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह अवेलेबल नहीं होगा। क्रूज़ कंट्रोल भी अवेलेबल नहीं है, सनरूफ भी नहीं मिल रहा, सनशेड इस पर मिरर का ऑप्शन भी नहीं है। 2009 की मॉडल और फीचर्स इतने आपको नहीं मिलेंगे। अब अगर डिमांड के हवाले से आपको बताता चलूँ तो यूसुफ ज़े मोटर शोरूम की तरफ से इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है 21.5 लाख रुपये। 22 लाख की बजट में आपको ये गाड़ी मिलेगी, रजिस्टर गाड़ी पंजाब रजिस्टर है और 21.5 लाख रुपए भी इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है। तो ये फॉर सेल अवेलेबल है यूसुफ ज़े मोटर शोरूम में, शिंगरदार सवाद इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। आप जो है शोरूम भी विज़िट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, आपको कम्प्लीट डिटेल इस गाड़ी के हवाले से प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रंट दोनों डोर्स पे आपको ऑडियो सिस्टम मिल रहा है। अब बढ़ते इस गाड़ी के रेयर साइड पे और आपको इस गाड़ी का रेयर साइड दिखाएंगे, वहाँ पे कौन से फीचर्स अवेलेबल है। डोर सिल्स आप देख सकते हैं इस गाड़ी का। पावर विंडो सेम कलर कम्बिनेशन में आपको डोर्स मिलेंगे। कोई ऑडियो सिस्टम इसके रेयर साइड पर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सीट्स काबिल तारीफ़ हैं, ऐसे काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे हैंड सपोर्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल है और रेयर सेट के लिए करोला में कोई एसी वेंट्स अवेलेबल नहीं होगा, ना कोई सनरूफ ना एसी वेंट्स। फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, 21.5 लाख रुपए इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है।
मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड नहीं है, ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, पंजाब रजिस्टर है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको कंप्लीट डिटेल इस गाड़ी के हवाले से प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर सेल अवेलेबल है यूसुफ जे मोटर शोरूम में, और 21.5 लाख रुपये इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है। बहुत अच्छी डिमांड है वैसे तो। बढ़ते हैं इस गाड़ी की इंजन सस्पेंशन की तरफ, और आपको इस गाड़ी का इंजन सस्पेंशन दिखाता चलूँ। रेयर साइड पर तो कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं है वैसे, और डोर सेल्स ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ से मैन्युअली ओपन करना होगा इसका बॉनेट सिस्टम, और अभी आपको दिखाता चलूँ इसका इंजन सस्पेंशन। टायर्स रिम्स आपको बहुत खूबसूरत रिम्स मिलेंगे, 1300 cc पेट्रोल इंजन के साथ है। और यहाँ से आपको दिखाता चलूँ इस गाड़ी का इंजन सस्पेंशन, कंप्लीट अपनी कलर के अंदर मिलेगा। मैनुअल बॉनेट सिस्टम, इंजन सस्पेंशन, बैटरी की कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ भी आप चेक करें, गाड़ी रजिस्टर गाड़ी है लेकिन कंडीशन बहुत बेस्ट है। तो ये थी आज की रिव्यू, टोयोटा करोला GLI 2009 की मॉडल और 1300 cc पेट्रोल इंजन के साथ है, पंजाब रजिस्टर गाड़ी है, फॉर सेल अवेलेबल है यूसुफ जे मोटर शोरूम में। आप शोरूम भी विजिट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, आपको कंप्लीट डिटेल इस गाड़ी के वाले से प्रोवाइड किया जाएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।